तो लिस्ट की हम लोग बात कर रहे थे पाइथन डेटा स्ट्रक्चर में टपल्स। पाइथन डेटा स्ट्रक्चर में हम टपल्स की बात किए थे, तो टपल सिक्वेंस, टपल्स हम कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम सिक्वेंस बोल सकते हैं, या फिर एनीथिंग जो जिसको हम डिफाइन कर सके उसको हम टपल्स बोलते हैं, ये बताया गया था। उसके बाद फिर अनपैकिंग सिक्वेंस। अनपैकिंग सिक्वेंस क्या है कि अगर एक वेरिएबल में हम कुछ टपल्स दिए हैं वो कहलाता है पैकिंग सिक्वेंस। अब उन टपल से करेस्पॉन्डिंग हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं और उन सारे वेरिएबल्स को एक वैल्यू दे दें तो वो कहलाता है अनपैकिंग सिक्वेंस। ठीक, तो लिस्ट की हम बात अगर करें तो लिस्ट में ये बताया गया था, लिस्ट में ये बताया गया था कि लिस्ट इज अ सिक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स जस्ट लाइक एरे इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट लिस्ट और एरे में डिफरेंस क्या है? लिस्ट और एरे में डिफरेंस ये है कि जो लिस्ट है उसमें उसमें जो डेटा एलिमेंट्स हैं वो ये जरूरी नहीं है कि होमोजीनियस टाइप के होने चाहिए। उसमें वो डेटा एलिमेंट सेम टाइप के भी और अदर टाइप के भी डेटा एलिमेंट्स हो सकते हैं, पहला चीज। और दूसरा क्या था, जो एरे था वो इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का क्या मतलब है? इम्यूटेबल का क्या मतलब है कि उसमें म्यूटेशन नहीं हो सकता। अब म्यूटेशन नहीं होने का क्या मतलब है? म्यूटेशन नहीं होने का मतलब ये है कि हम उसको फिर से, उसके साइज को हम फिर से चेंज नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था एरे का। और लिस्ट में ऐसा कुछ नहीं है, लिस्ट म्यूटेबल सिक्वेंस है जिसमें हम एलिमेंट्स को कभी भी ऐड कर सकते हैं और एलिमेंट्स को कभी भी हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इतना चीज बताया गया था। अब उसके बाद अगर हम बात करें क्रिएटिंग लिस्ट, ठीक है, लिस्ट को हम कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे हम बनाते हैं और कैसे प्रिंट करते हैं। तो हम सीधे स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग पे ही। लिस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग और लिस्ट पे अब लिस्ट पे अब स्टार्ट करते हैं। एक देखो, अगर हम लिस्ट को बनाएं तो विद द हेल्प ऑफ लिस्ट क्लास, ठीक है, एक विद द हेल्प ऑफ लिस्ट क्लास और विद द हेल्प ऑफ लिस्ट क्लास। ठीक, तो मतलब कि एक लिस्ट क्लास यूज कर रहे हैं। ठीक, अगर हम एक इम्पटी लिस्ट क्रिएट करें, और अगर एक हम इम्पटी लिस्ट क्रिएट करें तो क्या हो जाएगा? L1 इक्वल्स टू, हम एक लिस्ट क्लास यूज कर रहे हैं, लिस्ट क्लास यूज कर रहे हैं इम्पटी। इम्पटी का मतलब कि उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं, तो ये क्या हो गया, ये एक लिस्ट विथ नो एलिमेंट, अ लिस्ट विथ नो एलिमेंट। फिर क्रिएटिंग अ लिस्ट विथ एनी थ्री इंटीजर एलिमेंट्स, क्रिएटिंग अ लिस्ट विथ एनी थ्री इंटीजर्स। तो अगर हम L2 इक्वल्स टू, अभी हम क्लास यूज कर रहे हैं लिस्ट क्लास यूज कर रहे हैं, अभी हम क्लास यूज कर रहे हैं लिस्ट, ठीक है। L2 इक्वल्स टू, इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, लिस्ट के एलिमेंट्स होते हैं वो हमको पता है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होते हैं, सेपरेटेड बाई कॉमाज, ये उस दिन बताया गया था। ठीक, ये हो गया। अब फिर देखिए, अब इसी को क्रिएटिंग अ लिस्ट विदाउट यूजिंग द कंस्ट्रक्टर ऑफ द लिस्ट क्लास, मतलब कि बिना लिस्ट क्लास के हम यूज करें, विदाउट यूजिंग लिस्ट क्लास। तो अब हम सीधे इसी का प्रोग्राम लेते हैं जो यहां लिखा गया है। ठीक, हम इसको सिंगल लाइन है तो इसको हम उसी पे करवा दें।
सीधे हम पाइथन के सेल पे रन करवा दें इसको, ये जो दिया गया है, हम ये जो प्रोग्राम दिया गया है ना, लिस्ट को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और लिस्ट को हम कैसे लिस्ट को कैसे हम जो है प्रिंट करवाते हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले है प्रोग्राम टू डिमॉन्स्ट्रेट, पाइथन प्रोग्राम टू डिमॉन्स्ट्रेट क्रिएट अ लिस्ट, इम्पटी लिस्ट, इम्पटी लिस्ट, लिस्ट इक्वल्स टू, लिस्ट इक्वल्स टू इम्पटी का मतलब उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ये हो गया, ठीक है। अब ऊपर जो प्रोग्राम किया गया है, ऊपर जो इसके पहले जो प्रोग्राम किया गया है, इसमें इसमें जो प्रोग्राम किया गया है, देखो यहाँ लिस्ट क्लास को यूज किया गया है, यहाँ जो है लिस्ट क्लास को यूज किया गया है ना, L1 equals to list और उसके अंदर list class use किया गया। अब without using list class या without using list constructor का हम मतलब इसको भी बिना हम list class के लिखे भी हम इसको बना सकते हैं list। अब यही हम लिखते हैं creating a list, तो अगर हमें empty list create करना है, creation of list, अगर हमें empty list create करना है तो एक कोई वेरिएबल ले लिए जिसको दे दिए लिस्ट इक्वल्स टू इम्पटी है, तो इसका मतलब कि स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये हो गया, ठीक। फिर प्रिंट, उसी मैसेज को हम प्रिंट करवाएं, इनिशियल ब्लैंक लिस्ट, इनिशियल ब्लैंक लिस्ट, ठीक। अब प्रिंट किसको हम प्रिंट करें, लिस्ट को, तो क्या इसका आउटपुट आएगा, क्यों इसका क्या आउटपुट आएगा, इसका जो आउटपुट आएगा एक लिस्ट बनेगा जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होंगे, चाहे देख लिया जाए इसको, कंट्रोल एस से सेव करेंगे। आज डेट है, आज डेट है 23rd June.py, ठीक। F5 से इसको रन करवाएं, क्या आएगा, इनिशियल ब्लैंक लिस्ट, मतलब ये स्टेटमेंट आया इनिशियल ब्लैंक लिस्ट, प्रिंट लिस्ट, लिस्ट क्या है उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये लिस्ट जो है एक इम्पटी लिस्ट है, वो प्रिंट हो जाएगा। इम्पटी लिस्ट का सिंबल क्या होता है, इम्पटी लिस्ट का सिंबल होता है करले स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग एंड करेस्पॉन्डिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग, ठीक, ये हो गया। अब आइए फिर दूसरा, क्रिएटिंग अ लिस्ट विद द यूज ऑफ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग हमें प्रिंट करवाना है, एक फिर से हम एक नया लिस्ट बनाएं, लिस्ट में हम कुछ भी रख सकते हैं और कोई भी कॉम्बिनेशन रख सकते हैं डेटा टाइप का, लिस्ट इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग उसका सिंबल है, लिस्ट इक्वल्स टू CSIT second year, CSIT second year, BIT GIDA, BIT GIDA Gorakhpur, ठीक है। अब हम प्रिंट करवाएं, प्रिंट उसी स्टेटमेंट को पहले, लिस्ट विद द यूज ऑफ स्ट्रिंग, लिस्ट विद द यूज ऑफ स्ट्रिंग, फिर उसी लिस्ट को प्रिंट हम करवाए, प्रिंट क्या, लिस्ट, ठीक। फिर जब इसको प्रिंट करवाएं तो इसका क्या आउटपुट आएगा, इसका जो आउटपुट आएगा क्या आएगा, जो हम लिस्ट की वैल्यू दिए हैं वो वैल्यू प्रिंट होगा, चाहे देखें, लिस्ट विद द यूज ऑफ स्ट्रिंग, अगर हम एक ही लाइन में CSIT सेकेंड ईयर BIT GIDA Gorakhpur एज इट इज जो सिंबल है वो प्रिंट होगा,
लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको उनको हम क्या बोलते हैं, लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम टपल्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो CSIT सेकेंड ईयर BIT गीडा गोरखपुर जो था वही प्रिंट हो गया, जो था वही प्रिंट हो गया। लिस्ट का सिंबल यही है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये जब आउटपुट आएगा तो हम स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग एंड करेस्पॉन्डिंग क्लोजिंग से हम ये जानेंगे कि ये जो एलिमेंट है वो है एक लिस्ट, वो क्या है, एक लिस्ट है। ठीक है, आप फिर उसके आगे देखिए, क्या बोल रहा है, क्रिएटिंग अ लिस्ट विद द यूज ऑफ मल्टीपल वैल्यूज। अब हमें एक से ज्यादा वैल्यू रखना है। अच्छा, अगर हमें इसका लेंथ प्रिंट करना है, अगर हमें इसका लेंथ प्रिंट करना है तो क्या हम लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, लेंथ फंक्शन। प्रिंट लेंथ किसका, प्रिंट लेंथ किसका, लिस्ट का। अच्छा, ये क्यों इतना ज्यादा लिखा हुआ है बट यहाँ क्यों एक ही एलिमेंट आ रहा है, इतना ज्यादा लिखा हुआ है बट यहाँ क्यों एक ही एलिमेंट आ रहा है, क्योंकि ये जो है ये इसको एक एलिमेंट कंसिडर करेगा, इसको एक एलिमेंट कंसिडर करेगा। लिस्ट के एलिमेंट्स किससे सेपरेटेड होते हैं, लिस्ट के एलिमेंट्स किससे सेपरेटेड होते हैं, क्यों लिस्ट के एलिमेंट्स किससे सेपरेटेड होते हैं, हाँ, और हाँ, लिस्ट के एलिमेंट्स जो हैं वो कॉमा से सेपरेटेड होते हैं। अगर हम उसको इसमें कॉमा दे दें तो तुरंत इसका लेंथ बदल जाएगा, चाहे देख लो। अभी इसके बाद आ रहा है, इसके बाद वही क्वेश्चन है, क्रिएट क्या है, क्रिएटिंग अ लिस्ट विद द यूज ऑफ मल्टीपल वैल्यूज, क्रिएटिंग द लिस्ट विद द यूज ऑफ मल्टीपल वैल्यूज, है ना। फिर से एक लिस्ट बनाए, लिस्ट इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या है, सबसे पहले कौन सा कोर्स है, BTech, फिर क्या है, CSIT, फिर कौन सा ईयर है, सेकेंड ईयर, फिर कौन सा कॉलेज है, BIT गीडा। ठीक, फिर प्रिंट लिस्ट कंटेनिंग मल्टीपल वैल्यूज, लिस्ट कंटेनिंग मल्टीपल वैल्यूज, प्रिंट लिस्ट। ठीक, अब इसको रन करवाए, कंट्रोल एस से सेव करते हैं, F5। क्यों, अच्छा, अब जो है BIT CSIT CSIT2 BIT गीडा, ये इसका आउटपुट है, ये इसका क्या है, आउटपुट है। ये देखिए, ये प्रोग्राम, ये आउटपुट, ये प्रोग्राम, ये आउटपुट। ठीक है, तो क्या जो बताया गया था, जो बताया गया था कि अ लिस्ट में भी कंटेन मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स, तो यहाँ ये प्रूफ होता है या नहीं होता है, होता है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, स्ट्रिंग भी दिया गया है और उसके बाद एक क्या वैल्यू दिया गया है, इंटीजर भी दिया गया है, वो सारा कुछ एक्सेप्टेबल है, वो सारा कुछ एक्सेप्टेबल है। अब ये चीज, अब ये है कि क्या इस वाले लिस्ट का, ये जो लिस्ट बताया गया है इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ कितना होगा, ये वाला जो लिस्ट बताया गया है इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ कितना होगा, ये जो लिस्ट बताया गया है, हाँ,
आर्यांश गलत है। हाँ, इसका लेंथ जो होगा फोर होगा, वो फोर होगा। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट कॉमा से सेपरेट होगा। ये अच्छा, ये क्या बता रहा है, सिंगल या डबल? अच्छा, ये क्या बता रहा है, सिंगल? ये जो सिंगल या डबल कोट्स के अंदर लिखा गया है, ये क्या बता रहा है, सिंगल या डबल कोट्स के अंदर लिखा गया है? सिंगल या डबल? हाँ, ठीक है। हाँ, ये बता रहा है कि स्ट्रिंग है, ये बता रहा है स्ट्रिंग है, ठीक है। भले ही वो सिंगल कैरेक्टर हो, भले ही वो, भले ही वो सिंगल कैरेक्टर हो, बट वो उसको एज अ स्ट्रिंग समझेगा, क्योंकि कैरेक्टर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है पाइथन में, कैरेक्टर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक, अब देखिए उसके आगे। तो प्रिंट लिस्ट हो गया। अब देखिए यहाँ प्रिंट, अगर उसका हमें लेंथ क्रिएट करना है तो लेन ऑफ किसका, लिस्ट का, है ना। कंट्रोल ऐसे सेव कर दिए, F5 प्रेस कर दिए। 1 मिनट यार, यहाँ दिख नहीं रहा है, फिर से करवाए इसको। आया, 4 एलिमेंट्स हैं, 4 लेंथ इसका आ गया, 4 एलिमेंट्स, सो 4 इसका लेंथ आ गया। ठीक, अब आइए, फिर आइए प्रोग्राम पे। अब हमें एक्सेस करना है, अब हमें एक्सेस करना है अब हमें एक्सेस करना है तीसरे और चौथे एलिमेंट्स को, लिस्ट के तीसरे और चौथे एलिमेंट को एक्सेस करना है या प्रिंट करवाना है। तो क्या लिखेंगे, लिस्ट के थर्ड एंड फोर्थ एलिमेंट को प्रिंट करवाना है तो हम क्या लिखेंगे? लिस्ट के थर्ड एंड फोर्थ एलिमेंट को प्रिंट करवाना है तो उसके लिए क्या सिंटैक्स होगा? वी हैव टू प्रिंट थर्ड एंड फोर्थ एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। सो व्हाट वुड बी द सिंटैक्स फॉर प्रिंटिंग दीज एलिमेंट्स? क्यों, क्या सिंटैक्स होगा उसका? हाँ, एग्जैक्ट सिंटेक्स हम पूछ रहे हैं, क्या सिंटेक्स होगा उसका? हाँ, कोई बताएगा इसको कि हमें थर्ड एंड फोर्थ एलिमेंट को एक्सेस करना है, मतलब कि उसको प्रिंट करवाना है, तो क्या सिंटेक्स होगा उसका? वही जो सिंटेक्स बताना है जिसको हम यहां लिख सके। हाँ, इंडेक्सिंग तो ठीक है, बट हम उसके सिंटेक्स क्या कर लिखेंगे? ठीक है, अलग अलग भी प्रिंट करवा सकते हैं, सही है। सही है, प्रिंट। एक मिनट, थर्ड एंड फोर्थ एलिमेंट, पंकज सिंह गलत है यार। इसकी इंडेक्सिंग हमेशा स्टार्ट होती है, किससे स्टार्ट होती है, क्यों? इसकी इंडेक्सिंग किससे स्टार्ट होती है? इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है हमेशा 0 से, बिल्कुल सही, 0 से। तो हमें थर्ड एंड फोर्थ एलिमेंट, तो प्रिंट लिस्ट का सेकेंड एलिमेंट कॉमा कॉमा लिस्ट का सेकेंड इंडेक्स और थर्ड इंडेक्स।
क्या क्या हुआ, सेकंड हुआ और बीआईटी गीडा। अब जैसे कुछ लोग यहाँ ये मैसेज किए हैं, जैसे कुछ लोग यहाँ ये बोल रहे हैं कि इसका जो इंडेक्स होगा, यही देख लेते हैं ना, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि इसकी जो इंडेक्स वैल्यू होगी वो होगी प्रिंट, हमेशा इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है लिस्ट थर्ड एलिमेंट के लिए 3, लिस्ट फोर्थ एलिमेंट के लिए 4, ये बोल रहे हैं कुछ लोग। इसको भी रन करवा दें, तुरंत क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है, एरर में, एरर में क्या दे रहा है, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ठीक, तो इससे ये प्रूफ होता है कि हमेशा इसके इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है, 0 से। ठीक, ये है। और अगर हमें अंतिम का तीसरा एलिमेंट प्रिंट करवाना है, जल्दी से अंतिम का तीसरा एलिमेंट प्रिंट करवाना है, तो उसकी उसकी उसको हम कैसे लिखेंगे, लास्ट से थर्ड एलिमेंट प्रिंट करवाना है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, उसके लिए लास्ट से थर्ड एलिमेंट, तो क्या करेंगे उसके लिए, लास्ट से थर्ड एलिमेंट, तो कुछ नहीं -3। हाँ ठीक, आया है ना, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक, -3 मतलब कि लास्ट से थर्ड एलिमेंट। अभी अब देखिए इसके आगे फिर से इसी इस पे जाते हैं, फिर क्या दे रहा है, दो लिस्ट को एक साथ प्रिंट करवा दे रहा है। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं इसको, दो लिस्ट को एक साथ प्रिंट करवा दे रहा है। लिस्ट इक्वल्स टू कर सकते हैं, नहीं तो लेन फंक्शन तो उसके लिए यूज होता है ना, लेन फंक्शन हमेशा लेंथ रिटर्न करेगा दो लिस्ट को एक साथ प्रिंट करवाने के लिए। यह है आपका CSIT सेकेंड ईयर, एक लिस्ट हो गया कॉमा, दूसरा लिस्ट हो गया BIT। ठीक, अब इसको प्रिंट करवाए, प्रिंट लिस्ट, आया दो लिस्ट एक साथ। ठीक, दूसरा वाला अभी लिस्ट में नहीं गया है, दूसरा वाला भी लिस्ट में डाल दिया जाए। देखो दो लिस्ट एक साथ, एक लिस्ट है CSIT 2 और दूसरा लिस्ट है BIT। ठीक, तो ये कुछ ऑपरेशंस थे लिस्ट के जिसको बताया गया। अब इसके आगे देखिए, म्यूटेबल सीक्वेंस, सम ऑफ द म्यूटेबल डेटा टाइप्स इन पाइथन आर लिस्ट, डिक्शनरी, सेट एंड यूजर डिफाइंड क्लासेस। तो म्यूटेबल सीक्वेंस का मतलब यही है कि कुछ ऐसे डेटा टाइप्स जो म्यूटेबल होते हैं, म्यूटेबल का मतलब जिसको हम चेंज कर सकते हैं, एक लिस्ट है, एक डिक्शनरी है, एक सेट है, एक यूजर डिफाइंड क्लासेस है। अब हम बात करेंगे लिस्ट कंप्रिहेंशन की, किसकी बात करेंगे, लिस्ट कंप्रिहेंशन की। तो जस्ट लाइक जैसे स्ट्रिंग पे अदर स्लाइसिंग ऑपरेशन वगैरह होता है, उसी तरह लिस्ट में भी हम स्लाइसिंग वगैरह ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक, बट AKTU सिलेबस में जो दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, स्लाइसिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेप साइज। तो स्लाइसिंग में क्या वैल्यू देते हैं, क्यों स्लाइसिंग में हम क्या क्या पैरामीटर पास करते हैं, कोई बताएगा, स्लाइसिंग में हम क्या क्या पैरामीटर पास करते हैं, जल्दी से, स्लाइसिंग में हम क्या क्या पैरामीटर पास करते हैं,
देखो चलो, अरे स्लाइसिंग में स्टार्ट एंड और वो नहीं देते हैं, इंटरवल, स्टार्ट एंड और इंटरवल, ठीक। चलो ठीक है, स्लाइस, हाँ स्लाइसिंग का हो गया। अब देखो म्यूटेबल सीक्वेंस में पहले हम पढ़ेंगे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, अगर एक एग्जिस्टिंग लिस्ट से, एक एग्जिस्टिंग लिस्ट से कोई दूसरा लिस्ट हम क्रिएट कर दें, एक एग्जिस्टिंग लिस्ट से कोई दूसरा लिस्ट क्रिएट कर दें, वो कहलाता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। क्या कहलाता है? लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। इफ वी क्रिएट अ न्यू लिस्ट बाय यूजिंग द एग्जिस्टिंग लिस्ट इन पाइथन, देन दिस इज कॉल्ड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। क्या कहलाता है ये? लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। जैसे अगर हम लोग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रहे हैं, अगर मेरे पास एक लिस्ट है, अगर एक मेरे पास कोई लिस्ट है, लिस्ट वन इक्वल्स टू 10, 20, 30, 40 एंड 50, 10, 20, 30, 40 एंड 50, एक लिस्ट मेरे पास है, ठीक है। अब इसी लिस्ट से, लिस्ट जो है उस लिस्ट में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 10, 20, 30, 40 एंड 50, इसी लिस्ट से कोई एक अनदर लिस्ट हम क्रिएट कर लें, तो वो कहलाता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। क्या कहलाता है? लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। अच्छा, अगर इसी लिस्ट में, अगर इसी लि और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के लिए जो फॉर्मूला होता है, अच्छा अगर इसी लिस्ट में, अगर इसी लिस्ट में हमें 10 10 ऐड करना हो, इसी लिस्ट में हमें 10 10 10 10 ऐड करना हो, 10 और ऐड करना हो, तो क्या उसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, उसका प्रोग्राम क्या होगा? अगर इसी लिस्ट में हमें 10 ऐड करना हो, जो ये लिस्ट दिख रहा है, इसी लिस्ट में हर एक एलिमेंट में हमें 10 ऐड करना हो, तो हम क्या लिखते हैं, देखते हैं, हम बताते हैं इसको। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रहे हैं, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन ये कहलाता है कि अगर एक ही लिस्ट से कोई एक अनदर लिस्ट क्रिएट कर दें, एक लिस्ट से कोई एक अनदर लिस्ट क्रिएट कर दें, वो कहलाता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। क्या कहलाता है? लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो अगर मेरे पास एक लिस्ट है, लिस्ट वन जिसको हम बोल रहे हैं, उसकी वैल्यू है 10, 20, 30, 40 एंड 50, मेरे पास ये लिस्ट है, ठीक। अब इस लिस्ट में अगर हमें 10 10 ऐड करना हो, हर एक एलिमेंट के लिए 10 ऐड करना हो, तो हम क्या लिखेंगे? फॉर आई इन रेंज फंक्शन, कहाँ से कहाँ तक? 0 से, सबसे बढ़िया है कि लेन तक चला दो उसको, लेन ऑफ किसका? लिस्ट वन का, लिस्ट वन का, ठीक। लिस्ट वन आई इक्वल्स टू लिस्ट वन आई प्लस 10, है ना? यही होगा ना? क्यों यही होगा? हम एक एक एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, आ गया ना 20, 30, 40, 50 एंड 60, 10 10 हम ऐड कर लिए, 20, 30, 40, 50 एंड 60, ठीक। अब हम ये ना लगा के, हम ये ना लिख के इस पे कोई फॉर्मूला, उसी लिस्ट पे कोई फॉर्मूला लगा दें, और उसी लिस्ट के नाम से, उसी लिस्ट के नाम से एक अनदर लिस्ट क्रिएट हो जाए, वो कहलाता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। क्या कहलाता है वो? लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। अब इस लिस्ट पे
इसी लिस्ट पे, ये जो लिस्ट वन है इसी लिस्ट पे हम कोई फॉर्मूला लगा दें और उस फॉर्मूले से एक एनदर लिस्ट क्रिएट हो जाए, नेम सेम हो, तो वो कहलाता है लिस्ट कंप्रिहेंशन। ठीक, तो ये लिस्ट कंप्रिहेंशन है।